हेलो फ्रेंड, वर्तमान डिस्कशन करिबा प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर फाइव रो यूनिट टू संबंध में। तो आज आलोचनार विषय वस्तु होची एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। गिव आंसर विथ इन वन सेंटेंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो गोटे वाक्य यार उत्तर देवा निमंत कहा जा। तो प्रश्नटी देखा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिज्म। तो पूंजीवाद कहिले कौन बुझ। पूंजीवाद एपर एक अर्थनैतिक व्यवस्था जहाँ व्यक्तिगत व आईन द्वारा संगठित गोष्ठी द्वारा उत्पादन माध्यम गुड़िकर मालिकाना सह व्यक्तिगत निष्पत्ति द्वारा अधिक लाभ लक्ष्य नहीं उत्पादन व बंटन प्रक्रिया संपादित करिथाय। तो पूंजीवाद कहिले आमने एठार कौन बुझू। पूंजीवाद एपर एक अर्थनैतिक व्यवस्था अटे जहाँ व्यक्तिगत बा आईन द्वारा गठित गोष्ठी द्वारा उत्पादन माध्यम गुड़ी मालिकाना सह व्यक्तिगत निष्पत्ति द्वारा अधिक लाभ लक्ष्य करिथाय एवं उत्पादन व बंटन प्रक्रिया संपादित करिथाय। तो यही समस्त प्रक्रिया कौन कहा जाए, पूंजीवाद कहा जाए। परवर्ती प्रश्नटी होची, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, जगतीकरण कहिले कौन बुझ। प्रश्नटी होची जगतीकरण कहिले कौन बुझ। जो प्रक्रिया रे गोटे राष्ट्र निजर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह सामिल कराई पारी समग्र विश्वर समस्या समाधान सूत्र बाहर करि पारि थाए ताहाकु जगतीकरण कहा जाए। तो जो प्रक्रिया रे गोटे राष्ट्र निजर अर्थनीति को विश्वर अर्थनीति सह जड़ित कराइबारे सामर्थ्य होता है एवं समग्र विश्वर समस्या समाधान सूत्र से बाहर करते हैं कौन कहा जाए ना, जगतीकरण कहा जाए था। व्हाट इज एनर्जिक कैपिटलिज्म, विशृंखलावादी पूंजीवाद कहिले कौन बुझ। विशृंखल बा विशृंखलावादी पूंजीवाद कहिले एठार कौन बुझा जाए। अष्टादश व आद्य ऊनविंश शताब्दी मध्यरे राष्ट्रर कौनसी जनकल्याण कार्य उपरे गुरुत्व नदे विशृंखलार चरम सीमार पहुँचवा हेतु यही अवधि को विशृंखलावादी पूंजीवादर आख्या दि जाए। तो यही पूंजीवादर आख्या विशृंखलावादी क्यों दृष्टि को सम्मुख रखी दि जाए ना, अष्टादश व आद्य ऊनविंश शताब्दी मध्यरे राष्ट्रर कौनसी जनकल्याण कार्य उपरे गुरुत्व नदे विशृंखलार चरम सीमार पहुँचिता हेतु यह क्यों नामकरण दि जाए ना, विशृंखलावादी पूंजीवादर आख्या दि जाए नामकरण कर। परवर्ती प्रश्नटे होची, व्हाट इज मैनेज्ड कैपिटलिज्म, व्यवस्थित व सुपरिचालित पूंजीवाद कौन अटे। ऊनविंश शताब्दीर द्वितीय भाग सतुरी दशकर शिल्प प्रतिष्ठा गुड़िकर आकार वृद्धि पाई परिचालना मानकर परिचालक मानक भूमिका वृद्धि पाइबा को वृद्धि पाइबा को व्यवस्थित व सुपरिचालित पूंजीवाद पर्याय कहा जाए थाए। तो व्यवस्थित व सुपरिचालित पूंजीवाद क्या कहा जाए ना, ऊनविंश शताब्दीर द्वितीय भाग अर्थात सतुरी दशकर शिल्प प्रतिष्ठान गुड़िकर आकार वृद्धि पाई परिचालक मानकर भूमिका वृद्धि पाइबा को व्यवस्थित व सुपरिचालित पूंजीवाद पर्याय कहा जाए थाए। परवर्ती प्रश्नटी होची, व्हाट इज रिमार्केटलाइज कैपिटलिज्म, व्हाट इज रिमार्केटाइज कैपिटलिज्म, पुनः बजारी बजारकृत पूंजीवाद कौन अटे। सतुरी दशकर परिवर्तित पर्यायर राष्ट्रर गुरुत्वर पुनः व्याख्या करा जाए मुक्त बजारर नीति नव्य उदारवादी परिवेशर सफल विन्यास संगठित होवाकु पुनः बजारीकृत पूंजीवाद कहा जाए। तो पुनः बजारीकृत पूंजीवादी कहिले माने कौन बुझू, सतुरी दशकर
ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ପୁନଃ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ମୁକ୍ତ ବଜାରର ନୀତିର ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦୀ ପରିବେଶରେ ସଫଳ ବିନ୍ୟାସ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ପୁନଃ ବଜାରୀକୃତ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। Who has defined that imperialism the highest stage of capitalism? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କିଏ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ଲେନିନ୍ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୀର୍ଷକ ଅବସ୍ଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ତ ଲେନିନ୍ ଏହାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଲେନିନ୍ଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକଟି କ'ଣଟା ନା ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଲେନିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ୱାଇ ଡିଡ୍ ଆନାର୍ଚିଷ୍ଟ ହାଜ୍ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳାବାଦୀମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାବାଦୀମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତ କେଉଁ କାରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୂଳ କାରଣ ଯାହାକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର କାରଣରୁ ହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳତାବାଦୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି।